सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर आ रहा है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके हम अर्थव्यवस्था को एक संबल भी दे पाएंगे। धन्यवाद महाराज जी। एक सवाल था महाराज जी, जनता की भी सुनेंगे, जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। पत्रकार सवाल पूछता रहा, योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया जवाब, तो संजय सिंह बोले महाराज जी सिर्फ सुनाते हैं सुनते नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोंडा की यात्रा पर थे, यहां पर उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और उसके बाद पत्रकारों से बात की। सीएम का पत्रकारों से बात करना कोई नई बात नहीं था, लेकिन आश्चर्यजनक तो ये था कि सीएम सिर्फ अपनी बात करते रहे और पत्रकार उनकी बात सुनते रहे। इसी बीच एक पत्रकार उनसे कोई सवाल पूछना चाहता था, लेकिन सीएम महोदय उसकी बात अनसुना करके आगे बढ़ गए। पत्रकार महाराज जी करते रह गए, लेकिन योगी नहीं रुके और आगे बढ़ गए। सामान्य परंपरा ये है कि जब कोई राजनेता पत्रकारों से बातचीत करता है तो सबसे पहले अपनी बात रखता है, उसके बाद पत्रकार अपने सवाल पूछते हैं और राजनेता उनके सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपनी बात कहकर आगे बढ़ गए, इससे पहले कि पत्रकार उनसे सवाल पूछते योगी आगे बढ़ गए। पत्रकार लगातार महाराज जी कहते रहे और एक सवाल का जवाब देने की मांग करते रहे, लेकिन महाराज जी नहीं रुके। महाराज ने पत्रकार की बात को अनसुना कर दिया और ऐसा व्यवहार कर आगे बढ़ गए जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस व्यवहार पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने ट्विटर के जरिए करारा हमला बोल दिया। संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि बोल दिया ना साहब, ठीक है बस, राज्य सिर्फ सुनाते हैं सुनते नहीं। संजय सिंह ने इस ट्विटर के जरिए ये कहा कि सीएम योगी किसी दूसरे की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी बात सुनाते हैं। दरअसल पत्रकार यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दे पर कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन योगी सवाल सुनना नहीं चाह रहे थे या उन्हें लग रहा था कि कहीं पत्रकार के सवाल में वो फंस न जाए। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि यूपी की मेडिकल व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर न ऑक्सीजन की किल्लत है और न ही अस्पतालों के बेड की कमी है, यहाँ पर सब ऑल इज वेल है। जबकि हकीकत में कोरोना की दूसरी लहर में यूपी की मेडिकल व्यवस्था की पोल खुल गई है, बड़ी संख्या में लोग इलाज और ऑक्सीजन के अभाव में मर गए और अब भी लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जाहिर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था और इस वजह से वो शायद पत्रकारों के सवाल से बचने के लिए अनसुना कर आगे बढ़ गए। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।